प्रणाम। मैंने एक नेटी और नॉट वीडियो बनाया था विद्युत जामवाल के ऊपर, एंड अकॉर्डिंग टू मी ही वॉज नेचुरल। आपकी इच्छा हो तो आप जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं। फिर स्मार्ट एंड फिट वाले उजैर भाई ने विद्युत जामवाल के ऊपर वीडियो बनाया नेटी और नॉट का, एंड अकॉर्डिंग टू हिम विद्युत जामवाल वॉज नॉट नेचुरल। सो उनकी वीडियो के बाद मेरे वीडियो पर कमेंट्स आए कि आप जाके स्मार्ट एंड फिट की वीडियो देखो, उन्होंने बताया है कैसे विद्युत जामवाल सर नेचुरल नहीं है, सो आप गलत बोल रहे हो। तो इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को अपना एक ओपिनियन देना पसंद करूंगा कि वाई आई थिंक विद्युत जामवाल इज़ नेचुरल, एंड फॉर स्मार्ट एंड फिट कंसिडर दिस एज अ हेल्दी डिबेट। आई डोंट मीन एनी काइंड ऑफ डिसरेस्पेक्ट टू यू। सो स्टार्ट करते हैं। तो अगर उनकी बेस लाइन से देखें तो ऑनेस्टली बोलूँ तो आज के टाइम में और तब के टाइम में कुछ खास डिफरेंस नहीं है मसल मास के टर्म्स में। माइंड मी, मसल मास की बात कर रहा हूँ मैं। बॉडी फैट परसेंटेज है जो ऊपर नीचे हुआ है, मसल मास में उतना कुछ खास डिफरेंस नहीं आया है व्हेन कंपेयर टू द बेसलाइन फिजिक व्हेन ही वाज गिविंग ऑडिशन। इस बेसलाइन फिजिक में विद्युत सर उतने ज़्यादा इंप्रेसिव नहीं लग रहे हैं क्योंकि उनका बॉडी फैट परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा है। प्लस ही इज़ नॉट फ्लेक्सिंग, ही इज़ नॉट पम्प्ड, कैमरा क्वालिटी इज़ नॉट गुड, कैमरा एंगल इज़ नॉट गुड। कुल मिला के अगर मैं आप ऑडियंस से एक बात कहूँ तो आपको नज़रों का धोखा हुआ है और आपके सामने चीज़ें इस तरह से प्रेजेंट करी गई हैं जिससे ऐसा लग रहा है कि विद्युत सर नेचुरल नहीं है। मैंने इसके ऊपर भी एक डिटेल वीडियो बना करके रखी है कि हाउ एक्टर्स लुक बिग ऑन स्क्रीन। आप चाहें तो उसे भी देख सकते हैं, मैं लगा दूंगा यहाँ कहीं पे, आप जाके देख लीजिएगा। मूविंग फॉरवर्ड टू 2013 मूवी कमांडो 1, एंड आई वुड से ही इज कैरिंग अ सिमिलर बॉडी फैट कंपोजिशन अदर देन द फैक्ट कि ही इज अबाउट 15 पाउंड्स हैवियर। सो दो सालों में, दैट इज फ्रॉम 2011 टू 2013, Vidyut has added about 15 pounds of lean tissue in his frame. तो कमिंग बैक टू उस्ताद जी, तो आपने इस बेस लाइन वाली फिजिक को कंपेयर किया विद्युत सर के कमांडो 1 वाली फिजिक से, एंड अकॉर्डिंग टू यू विद्युत सर वॉज 15 पाउंड हैवियर इन कमांडो 1 वेन कम्पेयर टू हिज बेस लाइन फिजिक। तो क्या मैं जान सकता हूँ आपको ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिली कि विद्युत सर 15 पाउंड हैवियर हैं कमांडो 1 के टाइम पे? नो, आई वॉन्ट टू नो द सोर्स ऑफ दिस इन्फॉर्मेशन, क्योंकि मैंने कमांडो 1 के प्रमोशन के टाइम विद्युत सर को एक जर्नलिस्ट के साथ वर्कआउट करते देखा था, और जब वो उसके साथ वर्कआउट कर रहे थे तब तो कहीं से ऐसा लग नहीं रहा था उन्हें देख के कि ही वॉज 15 पाउंड्स हैवियर। तो वही बात मैं कह रहा हूँ कि एक्टर लोगों को स्क्रीन पर बड़ा दिखाया जाता है, तो इसके पीछे के जो मेन फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं वो है CCLLP। थोड़ा जॉली LLP की तरह लग रहा है लेकिन मैं आपको बताता हूँ CCLLP क्या है। कैमरा एंगल, कैमरा लाइटिंग, लो बॉडी फैट परसेंटेज, लाइटिंग और पंप। तो जिन फुटेजेस में वो अंडरवेयर वाले ऑडिशन में खड़े हैं या वो जर्नलिस्ट के साथ ट्रेन कर रहे हैं वहाँ पर वो अच्छा पंप नहीं है उनके पास, वो अच्छे कैमरा कंडीशन में नहीं है, अच्छी लाइटिंग नहीं है, पंप नहीं है, प्लस कोई स्टिमुलेंट्स भी नहीं ले रखे उन्होंने एलआरजिनिन और उसकी तरह जैसा मूवीज से पहले लेते हैं। मैंने वीडियो में बता रखा है अपनी वाली में। बट मूवी में वो पंप्ड होते हैं, कैमरा एंगल अच्छा होता है, कैमरा क्वालिटी अच्छी होती है, लाइटिंग कंडीशंस अच्छी रहती हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स लेते हैं वो, प्लस एक क्लोजअप रेंज में हीरो को कैप्चर किया जाता है और वो भी या तो अच्छी आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में होता है या फिर डे लाइटिंग कंडीशन में होता है विद प्रॉपर टैनिंग। लाइटिंग और पंप का बहुत बड़ा इम्पैक्ट होता है किसी की फिजिक को अच्छा दिखाने के लिए। इसका एग्जांपल अब मैं दे सकता हूँ आपको। कॉनर मर्फी ने एक वीडियो बनाई थी बहुत पहले, उसमें उसने बताया था कैसे बिफोर पंप और आफ्टर पंप ख़राब लाइटिंग कंडीशन में और अच्छी लाइटिंग कंडीशन में क्या क्या चेंजेस आते हैं और आप कैसे बेटर कर सकते हैं उसको। सो लेट्स डू इट। ऑलराइट, सो द फर्स्ट थिंग वी आर गोना डू इज टेक अ पिक्चर लुकिंग द एब्सोल्यूट वर्स्ट इज पॉसिबल। दैट मींस बैड लाइटिंग, नो पंप एंड अ शिटी पोज। सो वी आर गोना टर्न अराउंड एंड गेट इन द शेड। ऑलराइट मिगेल, कम ओवर हियर। सो आई एम जस्ट गोना कंप्लीटली रिलैक्स। दिस इज काइंड ऑफ एंबैरेसिंग टू शो मैन, बट दिस इज मी इन हॉरिबल लाइटिंग। नाउ इफ आई वांट टू मेक इट इवन वर्स, आई कैन डू समथिंग लाइक दिस। आई कैन स्टिक आउट द स्टमक एंड हैव एन ऑफुल पोस्चर एंड एन ऑफुल पोज। Let's check out the 10-minute transformation. Let's show the before and the after, and let's check out the difference, bros. तो पहले वो बंदा सही वीडियोस बनाता था लेकिन आजकल उसे पता नहीं क्या हो गया। खैर, गॉड नोज, आगे बढ़ते हैं। तो अगला रेफरेंस उजैर भाई ने दिया यारा मूवी का, और उनके हिसाब से विद्युत सर वहां पर ऑफ साइकिल हैं। फिर अगला रेफरेंस मैं ले रहा हूं 2020 की मूवी यारा, जो कि इनफैक्ट 2014 में शूट हुई पर रिलीज 2020 में हुई। थैंक यू सो मच एवरी वन फॉर अपडेटिंग मी ऑन दिस। तो ये मूवी कमांडो 1 के बाद शूट हुई
जिसमें विद्युत वॉज लुकिंग आई वुड से 15 पाउंड्स हैवियर, दैट इज 15 पाउंड्स ऑफ लीन टिश्यू, एंड एट द सेम टाइम ही वॉज लीनर एज वेल. So if I compare these two movies, I would say Vidyut in 2014 is back to his baseline physique, जो कि हमने शक्ति में देखी, जो कि उसी साल 2011 में लॉन्च होने वाली मूवी Force One में थी. And I would say he is off cycle here. But जब आप पूरी मूवी देखेंगे तो उस मूवी में आपको बहुत सारे ऐसे सीन्स मिलेंगे जहां पर आप कह ही नहीं सकते कि वो ऑफ साइकिल है. ही वॉज लुकिंग नॉर्मल, जैसे लगते हैं कमांडो वन में जैसे थे, जैसे उसके पहले थे, ऐसा कुछ खास डिफरेंस नहीं था. सो ऑफ साइकिल वाली बात थोड़ी गलत साबित होती है यहाँ पर. तो उस पर्टिकुलर सीन की बात करते हैं जिसे देख उजैर बोले कि विद्युत इज़ ऑफ साइकिल. तो इस पर्टिकुलर शॉट में आप देख सकते हैं कि विद्युत सर क्लोजअप शॉट में कैप्चर नहीं हुए. अब क्लोजअप शॉट की मैं आपको स्पेशल बात बताता हूँ, वो ये है कि उसमें आप बड़े लगते हैं. मुझे काफ़ी चीज़ें रिपीट करनी पड़ रही हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, अभी तक वीडियो में है तो मेरी वो वाली वीडियो जाके देख लीजिए, हाउ एक्टर्स लुक बिग ऑन स्क्रीन, तो आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी. उसके बाद आप ये वीडियो देख लीजिएगा. बट फिर भी मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ. अब जैसे क्लोज फ्रेम में मैं और मेरे बगल में एक छोटा सा बच्चा है क्लोजअप शॉट में, जहाँ पर सिर्फ हम दोनों कैप्चर हो रहे हैं. तो फ्रेम ऑफ रेफरेंस में मेरे वो है, जिन्होंने फिजिक्स पढ़ी होगी उनको मालूम होगा, मैंने अपनी उस वीडियो में बता रखा है, लेकिन मैं इधर ही बता दे रहा हूँ. मैं और कोई छोटा बच्चा, उसके सामने मैं फ्लेक्स करूँगा क्लोज रेंज में हम दोनों कैप्चर हो रहे हैं, तो ऐसा लगेगा मैं बहुत बड़ा हूँ. लेकिन अगर मुझे दूर से कैप्चर किया जाए वाइड रेंज में, और मेरे मतलब स्पष्ट सी बात है मुझे वाइड रेंज में कैप्चर करेंगे तो मेरे बगल की बिल्डिंगें भी आएंगी, पेड़ भी आएंगे, लोग भी आएंगे, सब कुछ आएगा, तो उसके रेफरेंस में मैं बहुत छोटा लगूंगा. सो वही बात है कि क्लोज रेंज में व्यक्ति बड़ा लगता है. इसलिए अधिकतर शॉट्स जहाँ पर हीरो को मस्कुलर दिखाना होता है वो क्लोज रेंज शॉट्स होते हैं. और रही बात यारा मूवी की, तो जो इसके डायरेक्टर हैं दिग्मांशु धूलिया, वो चाहते थे उस पिक्चर के कलाकारों को थोड़ा सा वेट पुट ऑन करना, और इस कारण विद्युत सर थोड़े से सॉफ्ट लग रहे हैं, मतलब उनका बॉडी फैट परसेंटेज हल्का ज़्यादा लग रहा है, उतने श्रेडेड नहीं लग रहे जितने वो यूजुअली होते हैं. इसका भी इंटरव्यू मैं अटैच कर दूंगा, कहीं मिलेगा मुझे तो. 16 किलो. हाँ तू लंदन गया था, लंदन में था, तो लंदन में तूने बहुत खाना वाना खाया, तो यार कार्ब्स खाए और एकदम मोटा होकर आ गया एक महीने का. ये द ओल्ड कैरेक्टर. हाँ तो सर सो वी वर चैटिंग अबाउट एंड आई वाज ऑस्ट्रक. आई वाज लाइक यार ऐसा होता है एक्टर कि हम तो ऐसे, मैं तो वेट गेन करने के चक्कर में थोड़ा और मस्कुलर हो गया था, बट लकली हम लोगों ने गर्म कपड़े पहने हुए थे. बट एंड देन 2017 में आती है कमांडो 2, एंड आई हैव द मेक ऑफ वीडियो हियर. And to be honest, he looks similar to Commando 1 movie, but rather I would say he's about 5 pounds heavier. फिर अगला reference आपने लिया Commando 2 का, जहां आपने बताया कि he is 5 pounds heavier. तो I can agree that he is 5 pounds heavier over there, because he was at his best at that time. और उसके बाद फिर उन्होंने अपना size कम कर लिया था, because उनको injuries हुई थी, जैसे कि bicep tear, और stunt करने में उनको problem होती थी इतने बड़े size के साथ. अगर आप उनके डाई हार्ड फैन हैं तो आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा स्कॉट एटकिंस के चैनल पे जो पड़ा हुआ है, उसमें उन्होंने बताया कि कमांडो 2 के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा हैवी थे, और वहाँ तक पहुँचने के लिए उन्होंने बहुत महीनों की मेहनत की थी, बहुत स्ट्रिक्ट डाइट करी थी, हैवी रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करी थी, और फिर उन्होंने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग कम करके फंक्शनल ट्रेनिंग बढ़ाई. क्यों? क्योंकि वो अपने साइज़ को कम करना चाहते थे, क्योंकि वो उनके स्टंट्स में हिंड्रेंस पैदा कर रहा था, दिक्कतें दे रहा था, स्टंट्स वो सही से नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने अपने साइज़ को कम किया. उसके बाद You got a strict diet though? Do you stay off the carbs? No, I just don't follow any diet. But when I was building myself up for Commando 2, I was very careful because I wanted to be very sculpted and I wanted to be shredded at the same time. I was very careful. But like my last movie, Khuda Hafiz, and they didn't want me to really be beefy. So I'm enjoying this phase of not being on diet. I eat and I work out like a maniac. I'm a vegetarian. After you become very muscular, like I was in Commando 2 and I was doing front flips and all, it starts hurting your body a lot more. You love doing it, you have the strength, but it does harm your body. Yeah. So at this weight that I am right now, I'm very quick. I love my flips. I'm loving just moving like a dream. So I keep shifting. If I'm heavy, I don't do too much. You're a bit lighter now then. Much lighter. I'm really enjoying this. I'm really loving this phase. The mobility gets higher. The muscles do hinder a lot of movement. Yeah. Aesthetically, they make you look like, yay. But I've watched you and the way you performed in Boyka, those acrobatics, the kicks. I know that this guy, look at him, dude. I know it's not easy for him and he's still doing it. I respect it.
But for movies, we do this and we love it. And people love doing this. Boyka is not my natural. और अब सामने है Commando 3, where he was the leanest, I should say. He was under 6% body fat, with striations everywhere. By everywhere, I mean striations on chest, shoulder, back. फिर उसके बाद उज़ैर भाई रेफरेंस देते हैं कमांडो 3 का, जहाँ पे वो बताते हैं कि विद्युत सर का बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम है, हर जगह स्ट्राइशंस दिख रहे हैं. आई एग्री, उनका बॉडी फैट परसेंटेज बहुत कम था. बट यहाँ पे मैं एक और पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. बट जस्ट गिविंग अ लुक, मैं कह सकता हूँ कि यहाँ पर उन्होंने कार्ब और पानी डिप्लीट करके रखा हुआ है. जो लोग नहीं समझे बताता हूँ, बॉडी बिल्डर्स जो स्टेज पर चढ़ने से पहले एक हफ्ते पहले अपना सोडियम ऊपर नीचे, कार्ब ऊपर नीचे करते हैं, कार्ब्स डिप्लीट करते हैं मसल में से, फिर वाटर डिप्लीट करते हैं, फिर कार्ब लोड करते हैं वो एक दिन अच्छा दिखने के लिए. वो टेक्निक विद्युत सर ने यहाँ पर लगाई हुई है. और हाँ, ये लुक जो वाटर डिप्लीटेड लुक है, ये बहुत टेम्परेरी है, बट ये नेचुरली अचीव किया जा सकता है. ये लुक टेम्परेरी है, इसका प्रूफ मैं आपको कमांडो 3 के माध्यम से दे देता हूँ. इसका प्रूफ ये है कि विद्युत सर ने कमांडो 3 में कहीं पर भी अपनी शर्ट नहीं उतारी, सिवाय इस एक अखाड़े वाले फाइट सीन के अलावा, और कहीं उन्होंने पूरे मूवी में टी शर्ट नहीं उतारी है. एंड आई कैन बेट जो अखाड़ा वाला सीक्वेंस है वो एक ही दिन में शूट हो गया होगा. एक बहुत ही मशहूर कहावत है, बिग श्रेडेड एंड नेचुरल. एट द सेम टाइम आप इन तीनों में से कोई दो हो सकते हो. दैट इज लाइक यू कैन बी बिग एंड नेचुरल, इन दैट केस यू आर नॉट श्रेडेड. यू कैन बी श्रेडेड एंड नेचुरल, इन दैट केस यू आर नॉट बिग. And you can be like big and shredded. In that case, you're not natural. किसने कही ये कहावत? तरुण गिल ने? तो जिसे नॉलेज है और एक्सपीरियंस है 8-10 साल से ऊपर का, तो उस बंदे के लिए 10% 8% बॉडी फैट और उससे नीचे पहुंचना इज अ पीस ऑफ केक. आराम से पहुंच सकता है वो. और इसका एग्जांपल हम देख सकते हैं हमारे यश शर्मा भाई, यश शर्मा फिटनेस वाले. ये नेचुरल हैं, ही कैन बी बिग, ही कैन बी श्रेडेड एंड नेचुरल एट द सेम टाइम. लो एक एग्जांपल मैंने आपको ऐसे ही उठा दिया. अगर मैं सोचने बैठ गया तो ऐसे तो बहुत सारे एग्जांपल मिल जाएंगे यार. इसको अगर मैं कंपेयर करूं 2019 में आने वाली मूवी कमांडो 3 से, सो विद्युत इज बिग एंड एट द सेम टाइम ही इज श्रेडेड. सो ऑफ कोर्स इट्स अनदर रेड फ्लैग. इट इज नॉट पॉसिबल टू अचीव दिस विदाउट यूजिंग एक्सटर्नल हार्मोन्स. यस इट इज. मेरे CCLLP वाले पॉइंट्स पर जाओ और फिर उन दोनों फोटोज को कंपेयर करो, तब देखो कि आपको कोई डिफरेंस दिखता है. फैक्टर्स लगाओ उस दूसरी वाली फोटो में, लाइटिंग लगाओ, कैमरा लगाओ, पंप लगाओ, श्रेडिंग लगाओ, स्टिमुलेंट्स लगाओ, एलार्जिनिन, सिटुलिन मैलेट, ये सब लगाओ उसमें. ऐसे मत कंपेयर करो सर. अगर अभी भी किसी को शक है, सो लेट मी शो यू माय लास्ट कार्ड. ब्रिंग इट ऑन. दिस इज द फुटेज ड्यूरिंग लॉकडाउन सीजन लास्ट ईयर इन मे. सो ऑफ कोर्स ही इज ऑफ साइकिल. There is no need to be on cycle, especially when there is a complete lockdown condition. So maybe he is not working out as well. There is no person on earth, जो के कुछ time पहले naturally ऐसा दिखता हो, and after a while he looks like this, regardless के उसको कितनी injuries क्यों ना हो. He has regressed back to his baseline physique. In fact, what I see is he has regressed beyond his baseline physique. It is only possible when you are off anabolics. तो लॉकडाउन के समय विद्युत सर ने और भी बहुत सारी वीडियोस डाली थी अपने इंस्टाग्राम में, और ऑनेस्टली नहीं लग रहे थे यार, मुझे तो नॉर्मल लग रहे थे. बाकी वीडियोस देखो आप लॉकडाउन के समय की, उनमें तो ऐसा नहीं लग रहा कि इतने कम हो गए हैं वो. तो बात क्या है, क्यों पतले लग रहे हैं? CCLLP, नज़रों का धोखा है साहब. बस विद्युत सर इज़ ऑल नेचुरल. वो बिना अच्छी लाइटिंग के, बिना अच्छे कैमरा, बिना पंप के लाइव कैसे भी चले आ रहे हैं. इसका मतलब ये नहीं वो नेचुरल नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो इनसिक्योर नहीं है अपनी फिजिक को लेकर के. तो अगर आपने इतना देख लिया तो मेरी बाकी वीडियोस देखो जो मैंने बना करके रखी हैं बॉलीवुड एक्टर्स के ऊपर, तो आप बेटर समझ पाएंगे. और मेरा अब हो गया, मैं जा रहा हूँ. चलो बाय बाय.